स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। जो क्राइसिस आया है उसका म्यूचुअल फंड के साथ क्या कनेक्शन है, म्यूचुअल फंड ने क्या प्रॉब्लम हो रही है, आइलैंड एफएस का क्राइसिस म्यूचुअल फंड में क्यों आ रहा है, या फिर उसका लिंक म्यूचुअल फंड के साथ क्या है। जैसा कि आपको पता है कि आइलैंड एफएस एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको फाइनेंस करती है। तो उसने क्या किया कि एक अपने जो पेमेंट था वो पेमेंट को डिफॉल्ट कर दिया, मींस जो उसकी ईएमआई सारी थी, जो पेमेंट उसको बॉन्ड का पेमेंट करना था उसको डिफॉल्ट कर दिया। तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो उसका उस पैनिक का या उस प्रॉब्लम का म्यूचुअल फंड के साथ क्या कनेक्शन है, इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएलएंड एफएस। आईएलएंड एफएस एक इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारी इसकी सब कंपनियां हैं। मीन्स ये एक पीयर कंपनी है या फिर ये पेरेंट कंपनी है। इसके नीचे बहुत सारी 5-7 या 10 से भी और बहुत सी ज़्यादा कंपनियां हैं इसकी सब्सिडरीज, जो कि इंफ्रा रिलेटेड जो फाइनेंस है उसको प्रोवाइड करती है। जो प्रोजेक्ट होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनको फाइनेंस करती है, उनको लोन देती है। तो इसने क्या हुआ कि जो इकरा है, इकरा जो एक रेटिंग एजेंसी है, उसने इसके जो ग्रेड है उसको डाउनग्रेड कर दिया। मीन्स जो इसकी रेटिंग थी उसको इकरा ने डाउनग्रेड कर दिया, उसको बिलो कर दिया। रीजन क्या रहा कि जो इसका जो डेट का क्राइसिस चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था, उस वजह से इकरा ने इसको डाउनग्रेड कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीआई ने इस पर क्या रिपोर्ट किया। तो आरबीआई ने एक स्पेशल ऑडिट बिठाया है आईएलएंड एफएस के लिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो जैसे ही आईएलएंड एफएस की डिफॉल्ट की खबर आती है कि उसने 250 करोड़ का जो रिपेमेंट करना था लोन का वो नहीं कर पाई एक कॉरपोरेट बैंक के साथ, और एक स्मॉल जो डेवलपमेंट बैंक थी उनका जो पेमेंट डिफॉल्ट किया है आईएलएंड एफएस कंपनी ने, तो उस पर आरबीआई ने एक इन्वेस्टिगेशन स्पेशल ऑडिट बिठाई है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि आईएलएंड एफएस में क्या हुआ। आईएलएंड एफएस में जो बॉन्ड है, आईएलएंड एफएस को बॉन्ड का जो पेमेंट करना था वो पेमेंट नहीं कर पाई, तो उस वजह से इकरा ने इसको इसके जो बॉन्ड होते हैं या फिर जो सीफी होते हैं उनको डाउनग्रेड कर दिया। मतलब डबल ए प्लस की जो रेटिंग दे रखी थी इकरा ने इसको, ICRA जो रेटिंग एजेंसी है उसने इसको डाउनग्रेड करते हुए डबल बी कर दिया। डबल बी रेटिंग का मतलब ये होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कोई भी जो कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट आता है, जो भी सिक्योरिटीज आती है, उसकी रेटिंग के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। जितनी अच्छी रेटिंग उतने ज़्यादा इन्वेस्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रेटिंग एजेंसियाँ जितनी अच्छी रेटिंग देगी उसमें इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा होगा। तो आईएलएंड एफएस के जो बॉन्ड है या फिर जो सीपीज है, सीपी मीन्स कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर्स के थ्रू जो प्राइवेट कंपनियां हैं पैसा उठाती है, तो इकरा ने जो इसको डबल ए प्लस की रेटिंग दे रखी थी उसको इसने डाउनग्रेड कर दिया, और इसको डाउनग्रेड किया बीबी कर दिया। बीबी का मतलब होता है जंक और नॉन इन्वेस्टमेंट स्टेटस। बीबी अगर किसी की ग्रेड है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये एक खतरा है इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो इससे क्या होगा कि आईएलएंड एफएस को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इकरा ने अगर इसकी रेटिंग डाउन कर दी है तो इन्वेस्टर को लगेगा कि इसकी रेटिंग डाउन है, इसमें पैसा लगाने से पैसा डूब सकता है, तो आईएलएंड एफएस को प्रॉब्लम आएगी पैसा उठाने में मार्केट से। और इसके कमर्शियल पेपर की रेटिंग थी A1 प्लस रेटिंग थी इसकी कमर्शियल पेपर की। जो सीपी होते हैं इस कंपनी के, जो सीपी, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो कॉरपोरेट से वो सीपी कमर्शियल पेपर इशू करते हैं मार्केट से पैसा उठाने के लिए, तो जो आईएलएंड एफएस के सीपी थे उनकी रेटिंग थी A1 प्लस, उससे इसको A4 कैटेगरी में डाल दिया इकरा ने, इकरा जो रेटिंग एजेंसी है उसने। तो ये इकरा ने इसका रीजन क्या दिया कंपनी ने, कंपनी ने रीजन दिया कि जो आईएलएंड एफएस ने अपना लोन का रिपेमेंट नहीं किया, डेट का जो रिपेमेंट नहीं किया है, उस वजह से इसमें एक लिक्विडिटी का इशू आ गया है। लिक्विडिटी नहीं है मतलब आईएलएंड एफएस के पास पैसा नहीं है, तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम के चलते इकरा ने इसकी रेटिंग डाउन की है। अब रेटिंग डाउन करने से क्या होगा कि आईएलएंड एफएस को मार्केट से पैसा नहीं मिलेगा, कोई भी इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी रेटिंग डाउनग्रेड हो गई है, तो सबको रिस्क लगेगा कि इसमें रिस्क है, इस कंपनी में इसमें पैसा नहीं लगाना है। तो ये सब प्रॉब्लम आईएलएंड एफएस में हुआ। और नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम हुई आईएलएंड एफएस की, जो म्यूचुअल फंड से संबंधित है, अगस्त से लेके इसने जो रेटिंग एजेंसी है उसने इसको डाउनग्रेड कर दिया था इसकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड को इकरा ने, और जो पेरेंट कंपनी है आईएलएंड एफएस को उसने लास्ट 2 डे में इसको डाउनग्रेड किया है इकरा ने, और केएनए भी इसको
लास्ट 2 डे में जब से ये क्राइसिस आया है उसको डाउनग्रेड किया है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन कि उसका म्यूचुअल फंड के साथ क्या लिंक है, तो ILNFS के 2500 करोड़ के समथिंग के CPs मार्केट में इशू हो रहे हैं, मीन्स कमर्शियल पेपर, जो कमर्शियल पेपर पे इन्होंने पैसा उठा रखा है ILNFS ने 2500 करोड़ के समथिंग, उसमें से 2020 करोड़ के समथिंग जुलाई के एंड में ILNFS को पेमेंट करना है, मीन्स जो कमर्शियल पेपर से इन्होंने पैसा उठाया था ILNFS ने मार्केट से CP के थ्रू, उनमें से लगभग 2020 करोड़ के जो जुलाई के एंड में उनका पेमेंट करना है, वापस से उनको पे करना है विद इंटरेस्ट, जितना पैसा उठाया था उसको मार्केट में वापस भी तो करना है जिससे लिया था बोरोवर से, तो 2020 करोड़ इसको वापस करने हैं जुलाई के एंड तक। और उसके बाद जो कंपनी है केयर रेटिंग एजेंसी ने, इसने इसका बताया है रीजन कि इतना इसको वापस करना है मार्केट में, और 12 असेट मैनेजमेंट कंपनियां जो म्यूचुअल फंड की असेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है, म्यूचुअल फंड कंपनियां, उन्होंने इनके CPs में अपना एक्सपोजर ले रखा है, मीन्स जो ये CP है कमर्शियल पेपर ये म्यूचुअल फंड ने खरीद रखे हैं, जो 2500 करोड़ के समथिंग का इसका कमर्शियल पेपर इशू कर रखा है ILNFS ने, वो म्यूचुअल फंड ने खरीद रखे हैं, तो म्यूचुअल फंड का ये पैसा है टोटल, ये 2500 करोड़ जितना भी है ये म्यूचुअल फंड का पैसा है, और केयर रेटिंग एजेंसी ने बोला है कि 12 म्यूचुअल फंड कंपनियों का इसमें पैसा है, तो ऐसा डेटा बताया है। तो अगर इसकी रेटिंग गिरी है या लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ILNFS में आ रही है तो इसका म्यूचुअल फंड जो MCs है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना पेमेंट ये कर नहीं पाती है ILNFS डिफॉल्ट करती है तो 12 जो MCs है जिनने इसमें पैसा लगा रखा है उनके फंड पे इसका असर दिखेगा, तो ये रीजन है कि म्यूचुअल फंड से ये ILNFS का क्राइसिस मैच करता है कि क्या रीजन है कि MCs पे भी सवाल उठ रहे हैं या MCs को भी प्रॉब्लम हो रही है, सवाल तो कौन उठाएगा बट प्रॉब्लम हो रही है MC को कि उनका पैसा इसमें लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि जो ILNFS की सब्सिडरीज कंपनियां हैं उनमें से किस किस कंपनी को रेटिंग एजेंसियों ने डाउनग्रेड किया है, कौन सी रेटिंग एजेंसी ने किसको किस किस कंपनी को जो डाउनग्रेड किया है। ILNFS एक पेरेंट कंपनी है, उसकी छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो ILNFS फाइनेंस सर्विस लिमिटेड को डाउनग्रेड किया है ICRA ने, ICRA ने इसको डाउनग्रेड कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है ILNFS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड, उसको डाउनग्रेड कर दिया है ICRA ने। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है ILNFS एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसको भी डाउनग्रेड कर दिया है केयर रेटिंग एजेंसी ने। और एक और कंपनी है ILNFS इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, उसको भी डाउनग्रेड कर दिया है केयर रेटिंग ने, मीन्स जो इसकी 6-7 कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जो इसकी सब्सिडरी कंपनियां हैं उसमें से लगभग 4 कंपनियों को सब्सिडरियों को भी रेटिंग एजेंसियों ने डाउनग्रेड दिए। डाउनग्रेड का एक ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कि अब इसको नेक्स्ट टाइम जो मार्केट में ये पैसा लेने जाएगी कंपनियां अपने CP या अपने बॉन्ड इशू करेगी तो इनको पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी ग्रेड डाउन कर दिए तो इन्वेस्टर को लगेगा कि यहाँ इन्वेस्ट करना खतरा है, तो इनको लोन नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा तो लिक्विडिटी वापस से इशू आ जाएगा इनके पास, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा, मार्केट से पैसा आएगा नहीं तो ये आगे फाइनेंस कैसे करेंगे, तो ये सारी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पता नहीं क्या होगा। RBI ने इसमें एक ऑडिटर बिठाया है, क्या उसका ऑडिट रिपोर्ट आती है, क्या प्रॉब्लम निकलती है वो वक्त बताएगा, बट फिलहाल म्यूचुअल फंड MCs को भी डर लग रहा है इससे, क्योंकि 2500 करोड़ के CP इन्होंने खरीद रखे हैं म्यूचुअल फंड कंपनियों ने एज डेट कर्ज के रूप में दे रखा है इनको ILNFS को। तो ये था म्यूचुअल फंड से लिंक ILNFS का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।